ऑनलाइन स्टोर्स का बात कर रहे हो? जी सर, ये डेटर अकाउंट खोल लीजिए सर, इतने आप ये निकालने तो नहीं बैच कर लेते हैं आज। डेटर का लेजर बनवा रहा है। एंट्री ज्यादा है सर, क्रेडिट सेल की एंट्री बने थे। क्रेडिट सेल की एंट्री हो जाए सर, डेटर अकाउंट डेबिट सेल क्रेडिट फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस, ठीक है। एंट्रीज का नहीं बोल के जरा रिवाइज करना, देन में शुरू हो जाओ। क्या सेल का लेजर होगा सर? सेल रिटर्न्स की एंट्री बोला। सेल रिटर्न डेबिट डेटर अकाउंट क्रेडिट, लेट्स अज्यूम 10,000। देखिए कैश रिसीव हो जाए तो एंट्री, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट फॉर एग्जांपल 150,000। बोलते नहीं, लिखते नहीं, सोचते जाए यार, क्या हो गया? अगर बैक चेक पैसे मिले हो तो बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, बाकी डेफिनेटली जो मैं रेफरेंसेस लिख रहा हूँ उनके अपने लेजर्स होंगे, ठीक है। लास्ट क्लास का दिन वाला है, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बताएं। पिछला पेज देखें जरा, देखें देखें पिछले पेज पे कुछ ना बात हुई होगी। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, नहीं सर जी, नहीं सर, ना करें सर, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड का है मैंने ढूंढने, जरा ढूंढे पिछला पेज देखें जरा। वो यकीनन उसके दो हिस्से हैं, जो कैश है कैश भी डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो रही है, मिल रहा है मतलब डेफिनेटली कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 38,000। लेकिन अगर सिर्फ 2,000 की एंट्री सोचा तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट, वहां कंपाउंड एंट्री लिखी हुई थी। डिस्काउंट अलाउ करने से क्या रिसीवेबल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट, पूरी कंपाउंड एंट्री बोले तो डेफिनेटली कैश भी डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट और डेटर क्रेडिट, लेकिन अलग अलग अगर इसे कर लें तो कैश वाली एंट्री क्या है? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट बाय ₹38,000 और सिर्फ डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री, डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड डेटर अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड का अपना लेजर होगा, उसमें फिगर डेबिट साइड पे होगी और डेटर के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे होगी, ठीक है। जिसे डिस्काउंट रिसीव हो रही है वो क्या कर रहा होगा? क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट अप टू द 38,000 और सिर्फ अगर 2,000 वाली एंट्री बोली जाए डिस्काउंट रिसीव वाली। हिम्मत 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 हिम्मत, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, लाइबिलिटी कम हो जाएगी अगर कुछ डिस्काउंट आपको रिसीव हो जाए, ऐसे और आपका रिसीवेबल कम हो जाएगा अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउ करने से क्या होगा? देखें दोनों एंट्रीज पिछला पेज देखें। डिस्काउंट अलाउ करने से क्या होगा? रिसीवेबल कम हो जाएगा, जो डिस्काउंट अलाउ करेगा उसका रिसीवेबल कम हो जाएगा और जिसे डिस्काउंट रिसीव होगा उसकी लाइबिलिटी टू पे कम हो जाएगा। सेंटेंस रिपीट करने वाला, जो डिस्काउंट अलाउ करेगा उसका रिसीवेबल कम होगा और जो डिस्काउंट रिसीव करेगा उसका पेबल क्यों कम हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव करने से उसका पेबल कम हो जाएगा और डिस्काउंट अलाउ करने से रिसीवेबल कम होता है, ठीक है। तो व्हाट इज अ डबल एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड? डिस्काउंट अलाउ डेबिट डेटर क्रेडिट, ये अमाउंट भी फॉर एग्जांपल 5,000 है, इसके साथ इसकी एंट्री भी लिख लग रहा है,
Discount allowed debit. The only students clear? Discount allowed debit. Debtor account credit, for example, 5000. ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं वो साथ साथ रिटेन भी रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है? Then calculate this one. Let's assume the sheet transactions. The balance kar do. टू लैख 60,000 डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आ गया सर, डेबिट बैलेंस है प्लीज यार। नेक्स्ट ईयर डेटर अकाउंट जेन में बनाया जरा। 2,60,000 एज अ डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? जब ब्रॉड डाउन बनेगा तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है? ठीक है सर। इस बेटा याद दहानी का मकसद ये था यहाँ तक जो किया हमने, कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाया जा सके। तो नेक्स्ट वर्ड देखें, बैड डेट्स। बैड डेट्स से मुराद होती है, सेंटेंस लिखा था, इसको डिफाइन करना था, अमाउंट विच वॉज रिसीवेबल अमाउंट विच वॉज रिसीवेबल इज नाउ इररिकवरेबल इज नाउ इररिकवरेबल अमाउंट विच वॉज रिसीवेबल इज नाउ इररिकवरेबल। क्या मीनिंग है, जरा ट्रांसलेट कर लें। जो पैसे मिलने थे अब वो नहीं मिलेंगे, तो ऐसे पैसे जो मिलने थे और अब नहीं मिलेंगे क्या कहलाते हैं? बैड डेट्स। फॉर एग्जांपल 2021 में आपने कैश सेल की, एंट्री बोला, हिम्मत करें सर जी, हिम्मत करें सर, क्या हो गया सर? कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश सेल की, कैश सेल में आपने चीजें बेची, पैसे ले लिए, क्या ये पैसे भी बैड होने का खतरा? ये तो पैसे मिल गए, तो कैश सेल में बैड डेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्रेडिट सेल में बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है। कैश सेल में क्यों नहीं होगा? चीजें पकड़ाएंगे तब जब पैसे लेंगे, तो वो तो कहानी से होकर खत्म हो जाएगी। लेकिन क्रेडिट सेल में क्या होता है, चीजें पहले देते हैं, पैसे बाद में देने होते हैं, पैसे बाद में लेने होते हैं, तो समटाइम्स किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका कस्टमर शायद आपको पैसे ना दे पाए, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, आपके पैसे बैड डेट्स होते हैं। अब इस बात का हरगिज़ से मतलब नहीं है कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अपना बिजनेस है तो जिस वक्त आप चीजें बेच रहे होंगे, क्रेडिट पर अगर बेच रहे हैं, तो आप पहले अपनी पूरी तसल्ली कर लेंगे कि जिसे मैं चीजें बेच रहा हूँ वो पैसे देने की पोजीशन में भी होगा, दे भी देगा या नहीं देगा, पहले आप पूरी अपनी तसल्ली कर लेंगे। अगर उस वक्त आपको कोई डाउट नहीं होगा तभी आप चीजें बेचेंगे, लेकिन अगर उसी वक्त खतरा होगा तो कभी भी आप चीजें नहीं बेच रहे होंगे। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर उस वक्त तो नहीं लग रहा था कि पैसे नहीं देगा, लेकिन सब्सिक्वेंटली किसी वजह से अगर पैसे आपको उससे रिसीव ना हो, तो फिर वहां से एक बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट्स इन केस ऑफ कैश सेल्स। क्रेडिट सेल में ये प्रॉब्लम इसलिए हो सकता है क्योंकि पैसे आपने बाद में लेने हैं, चीजें पहले देनी है। तो क्रेडिट सेल की तरह एक मिनट एंट्री बोला,
सर जी प्लीज बोलें सर, क्या हो गया सर? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेट्स अज्यूम को डेटर साहब का नाम रख लेते हैं, डेटर असर डेबिट सेल क्रेडिट, लेट्स अज्यूम 1 लाख लिखे यहाँ तक। ये बड़ा ऑनलाइन सोर्स का, मेरी आवाज ठीक है? तो अगर किसी को बेटा प्रॉब्लम महसूस हो रहा है आवाज को तो रीज्वाइन करके जरा देख लें, वैसे मेरा आवाज ठीक है। डेटर असर डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, अपने जहन में जरा डेटर अकाउंट बनाया, नहीं बना सर, बनाने की कोशिश नहीं की तो बनना कैसे? अब बना जब कोशिश किया तो किस साइड पे अमाउंट आपको नजर आ रही है? रिसीवेबल है, अगर नहीं मिली तो फिलहाल रिसीवेबल है। लेकिन सपोज 2022 में, नेक्स्ट ईयर में आप ये कंफर्म हो गया कि ये 1 लाख अब नहीं मिलना, किस साल चीजें बेची, और सपोज नेक्स्ट ईयर में आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन अब आपको महसूस हुआ कि ये साहब इस पोजीशन में नहीं है कि हमें पैसे दे सके, तो देन ना चाहते हुए भी आपको अब अपना रिसीवेबल बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, और अगर सारे पैसे बैड डेट हो गए तो खत्म करना पड़ेगा। कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा? इस नुकसान का नाम बैड डेट्स है। बताएंगे क्या एंट्री होनी चाहिए? बैड डेट्स डेबिट। अच्छा, बैड डेट्स का ये मतलब नहीं होगा कि आप अपने हाथ से पैसे पकड़ा रहे हैं। बैड डेट्स का मीनिंग क्या होगा कि आपका रिसीवेबल खत्म हो रहा है, वो पैसे जो मिलने थे वो अब नहीं अगर मिलेंगे तो एक्सपेंस बाय द नेम ऑफ बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा, और इसके अगेंस्ट क्या क्रेडिट हो जाएगा? इससे पिछली एंट्री देखें जरा, क्या 2021 में डेटर्स डेबिट करने से रिसीवेबल बढ़ गया था? लेकिन अब वो रिसीवेबल क्यों खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि अमाउंट इज इररिकवरेबल। ये एंट्री मैं कब कर रहा हूँ पर वर्ड्स पढ़ने, क्या लिखा था मैंने? ये बैड डेट्स की एंट्री कब होनी चाहिए? जब रिसीवेबल पैसे थे लेकिन अब वो इररिकवरेबल हो गए। तो पहले डेफिनेटली आप अपनी पूरी तसल्ली कर लेंगे, अगर मिलने की उम्मीद होगी तो आप हरगिज ये दूसरी एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर उम्मीदें दम तोड़ गई हैं तो आप मजबूरन क्या एंट्री कर रहे होंगे? बैड डेट्स डेबिट एंड डेटर, फॉर एग्जाम्पल अगर असद है तो असद क्रेडिट। वट इज द सेंस ऑफ दिस एंट्री? क्या बढ़ के क्या कम हो रहा है, या क्या कम होके क्या बढ़ रहा है? रिसीवेबल कम होके एक्सपेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे। अच्छे भले वो पैसे मिलने थे लेकिन अगर अब लग रहा है कि वो नहीं मिलेंगे, इररिकवरेबल है, तो आपको एक लॉस रिकॉर्ड करना है बाय द नेम ऑफ बैड डेट्स। तो वट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री? रिसीवेबल कम होके एक्सपेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, या लॉस सॉर्ट ऑफ कर लें। अपने जेन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लाए, कहां से शुरू होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? आगे चलें, आगे चलें, कॉस्ट ऑफ सेल से आगे चलें, ग्रॉस प्रॉफिट से आगे बढ़े, अदर इनकम से आगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जरा रोक दें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको फिर बैड डेट्स के नाम से भी एक हेड अपीयर नजर आ सकता है, अगर आपके पास इस साल कोई बैड डेट्स हुए हैं तो लिखना ब्रैकेट में। तो सॉर्ट ऑफ लॉस है, मेन हेड कह लें, मेन हेड एक्सपेंस सॉर्ट ऑफ है, तो कभी कभी बगैर फायदा मिले भी नुकसानात हो जाते हैं चीजों के, ठीक है। ये ऑनलाइन सोर्स कर, ये एक नजर देखना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बैड डेट्स वाली एंट्री आप किस दिन कर रहे होंगे? ड्यू डेट के बाद भी जब तक उम्मीद बरकरार रहेगी आप ये एंट्री नहीं करेंगे। जिस दिन ये सारी उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी और अब लग रहा होगा ये पैसे नहीं मिलने, तो देन फिर आप ये एंट्री कर रहे होंगे। लेकिन नेक्स्ट तरीके से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले जरा एक हेडिंग लिखें, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, किसी को याद है? दोबारा रिवाइज कर लेना, लिखा था हेडिंग। एक इन्वेंट्रीज के जमाने में पढ़ा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी,
जी, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो पॉइंट्स होते हैं, दोबारा लिखना है। अगर एंटीसिपेटेड लॉस हो तो उसका क्या करते हैं? एंटीसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज रिकॉग्नाइज्ड आर रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। अगर लग रहा है लॉस हो जाएगा तो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ऐसे ही सर। वाइल एंटीसिपेटेड गेन, राइट, एंटीसिपेटेड गेन्स आर रिकॉग्नाइज्ड आर नॉट रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, वो ठीक है, लेकिन कब रिकॉर्ड करते हैं? आर रिकॉग्नाइज व्हेन एक्चुअली अकर। गेन्स आर नॉट रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, दे आर रिकॉग्नाइज व्हेन एक्चुअली अकर। नहीं सर, ये आर नॉट रिकॉग्नाइज नहीं आर होगा, आगे मेरा सेंटेंस से देखें। अगर आपने नॉट लगाना है तो फिर इमीडिएटली लिखेंगे, तो वो तो अंडरस्टूड बात है कि इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं होना, कब रिकॉर्ड होना मैंने वो लिख दिया। अगर गेन लग रहा है तो कब तक इंतजार करें? जब तक होना जाए। लॉस लग रहा है तो फिर इंतजार ना करें, फिर फौरन रिकॉर्ड करें। लेकिन अब वो वाली बात जो हमने पहले इस एग्जाम्पल को समझने के लिए की थी, वो बात तो खत्म हो गई थी कि अगर लग रहा है पेपर पास हो जाएगा तब तो अल्लाह का शुक्र है, पता चल गया है क्या होगा, ठीक है। अगर लग रहा है फेल हो जाएगा तो पढ़ाई कब शुरू करें? जब रिजल्ट आएगा तो देखी जाएगी, इस चक्कर में ना पड़े, फौरन शुरू करें। और अगर लग रहा है पास हो जाएगा तो मिठाई कब तकसीम करें? जब लग रहा है तो तकसीम कर दें। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं होगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का तकाजा क्या है? क्या इंतजार कर लें, दुआ कर लें, और अगर रिजल्ट सही आ जाए तो फिर यकीनन खुद भी खाएं और बाकियों के साथ भी मिठाई शेयर करें, ठीक है ना। डन सर। तो लॉस कब रिकॉर्ड होता है सर? और अगर लग रहा है कि गेन हो जाएगा तो बेटा इसी के इसी कॉन्सेप्ट से, मतलब इसी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जरा इन्वेंट्री मुझे लग रहा है बिल्कुल जहन में नहीं है, ढूंढने जरा कहाँ है रजिस्टर खोलना, नीचे ढूंढने जरा इन्वेंट्री। हमने डिस्कस कर किया था उस जमाने में कि इन्वेंटरी इज़ मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। एनआरवी क्या चीज है? मैंने उसकी डेफिनेशन ही पूछी, क्या चीज है बस ढूंढ के पढ़ के जरा बताया। नहीं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मीनिंग क्या था? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस से पता क्या चलता है? अगर 500,000 कॉस्ट है इन्वेंट्री की और 510,000 एनआरवी है तो गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या लॉस? हिम्मत 510,000 एनआरवी है, कॉस्ट 500,000 है, 510,000 एनआरवी है, गेन एक्सपेक्टेड है लॉस? गेन एक्सपेक्टेड। तो फिर इन्वेंट्री को कॉस्ट पे क्यों रखें? ढूंढने ना यार, ढूंढने ताकि गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड ना हो जाए। अरे ढूंढ के पढ़े ना यार, एनआरवी से पता ये चलता है कि फ्यूचर में गेन होना है या लॉस होना है। अगर एनआरवी ज्यादा है तो इसका क्या मीनिंग है? कॉस्ट से ज्यादा करा तो गेन हो जाएगा, और अगर एनआरवी कम है कॉस्ट से तो फिर लॉस हो जाएगा। तो अगर एनआरवी ज्यादा है तो कॉस्ट पे इसलिए रिकॉर्ड करें ताकि गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड ना हो जाए। एंड जरा वाइस वर्सा सेंटेंस बोलने की कोशिश करें, जिन्हें मिल गया जरा आप तो ट्राई करें। अगर एनआरवी कम हो जाए तो एनआरवी पे इसलिए रिकॉर्ड करें ताकि लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड हो,
लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आरवी, स्टॉक को कम करने से क्लोजिंग स्टॉक का कोई रिलेशनशिप है प्रॉफिट से ढूंढने वही? अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप हायर अमाउंट पे लिख लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर लोअर अमाउंट पे लिखेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर एनआरवी ज्यादा है तो हायर पे ना लिखें, वरना गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा। देखने देखने ढूंढना। लेकिन अगर एनआरवी कम है तो एनआरवी पे इसलिए लिखें ताकि क्लोजिंग स्टॉक कम होके जो लॉस बनता है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाए। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स की थी, उसके नीचे दो सेंटेंसेस लिखे, मैं वो बोल रहा हूँ बार बार, ये ढूंढने जरा कहीं। इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट व्हेन इट इज, व्हेन इट इज, व्हेन इट इज, पढ़े पढ़े is recorded at cost when NRV is higher, ताकि gain record ना हो, और अगर NRV lower है तो क्यों record करें उसपे, ताकि loss immediately record हो जाए। तो बहरहाल crux of the story is कि अगर लग रहा है कि future में gain होगा तो उसे फिर immediately record हो जाना चाहिए, और अगर gain है तो फिर उसे immediately record नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी की application आ जाए, जरा इधर सोचने की कोशिश कर जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कुछ याद आ गई बातें? क्या पढ़ रहे हैं सर? वही जिसकी क्लास है, आ जाए, आ जाए, वेलकम टू क्लास। पता चल जाएगा अभी क्या पढ़ रहे हैं, ये नोट कर लिया मैं प्रोड्यूस कॉन्सेप्ट। इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखे जरा, एक कॉन्सेप्ट ऑफ Estimated bad debts. एक तो सर है सिर्फ bad debts, जो मैंने अभी पीछे वर्ड लिखा, सिर्फ bad debts का मतलब bad debt हो गए, वाकई पता चल गया है कोई साहब जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि पैसे दे सकें, या वो देना नहीं चाह रहे और पाकिस्तान छोड़ के चले गए, और हमने दुनिया में बड़ा ढूंढने की कोशिश की, मिले नहीं। तो एक है कंफर्म बैड डेट्स। कंफर्म बैड डेट्स मींस देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट कि बैड डेट हो गए हैं, पैसे इररिकवरेबल हो गए हैं। मेरे इनवर्ड्स का क्या मीनिंग होगा? एस्टिमेटेड बैड डेट्स, लग रहा है हो जाएंगे। आपके बिजनेस की हिस्ट्री फॉर एग्जांपल ऐसी है कि कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ पैसे हिस्टोरिकली आपका एक्सपीरियंस ये है कि बैड हो ही जाते हैं, और देर फॉर उसकी वजह से आपको उम्मीद है कि कुछ पैसे फ्यूचर में भी शायद ना मिल सकें, नहीं मिले या शायद ना मिल सकें। एक है नहीं मिले, वो है बैड डेट्स। तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ बैड डेट्स? ढूंढे अभी अभी बैड डेट्स, अभी डेटस कर, बैड डेट्स अभी डेटस कर। लेकिन ये क्या है? एस्टिमेटेड बैड, लग रहा है बैड डेट्स हो जाएंगे। तो अगर लग रहा है बैड डेट्स हो जाएंगे तो इनको तब रिकॉर्ड करें जब हो जाएंगे, या तब ही रिकॉर्ड कर लें जब लग रहा है हो जाएंगे। तो बीच में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आता है, अगर लग रहा है बैड डेट्स हो जाएंगे तो फिर वेट ना करें, जो आपका एस्टिमेट है उसकी बेस पे बैड डेट्स को एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के तौर पे रिकॉर्ड कर। ठीक है, कुछ समझ आ रही मेरी बात? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स? कुछ अपने लफ्जों में, कोई हमें डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। डाउटफुल कह लें, डाउटफुल को भी जरा एक्सप्लेन कर कि ऐसे बैड डेट्स जो अभी हुए नहीं है लेकिन लग रहा है, खतरा लग रहा है हो ना जाए। एक तो ये है कि जस्ट एक चांस है, लेकिन अगर एक रीजनेबल खतरा है, हिस्टोरिकली आपको पता है फ्यूचर में भी नजर आ रहा है, कुछ लोग मेरे जैसे आपको नजर आ रहे हैं जो पैसे दिए बगैर भाग जाएंगे, और आपको अब लग रहा है कि बंदा मेरे जैसे निकला ना, एक रीजनेबल एस्टिमेट है, तो फिर आप वेट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसको जरा कैंडी 5 मिनट जरा समझ लीजिएगा पहले, इसको फर्दर लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मैं जरा अपनी एग्जांपल कंप्लीट कर लूं। इसका बड़ा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से, लेट्स अज्यूम चले डेटर अकाउंट बनवाना, आप बाद में बनाइएगा आराम से, मुझे थोड़ी सी वर्किंग करवा दो। लेट्स डू बिजनेस का फर्स्ट ईयर है,
इसलिए मैं बीडी नहीं लिखा, मैं कुछ फिगर्स लिखता हूँ। आप इसकी एंट्रीज बताना, डेटर वाली एंट्री करें, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न्स वाली रिवाइज करना, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, सपोज कैश मिल गया है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, लेट्स अस्यूम और कुछ नहीं है इस साल, मेरा इस लेजर का सीडी बैलेंस है, मनी देखना, वैसे फिगर सिंपल ही है। हाउ मच अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल, 25,000, डन सर। अब ये जो 25,000 है, मिल गया है या मिलना है, मिल गया है या मिलना है, लेट्स सी, आपका ये एस्टिमेट है कि इसमें से 10% अमाउंट, कैलकुलेटर पकड़ने के जहां जरूरत पड़े, वैसे सिंपल फिगर है, 10% अमाउंट फ्यूचर में रिसीव शायद ना हो सके। अब मैं यहाँ कुछ परसेंटेजेस यूज करूंगा, लेकिन एग्जाम में वो परसेंटेजेस आपने खुद नहीं सोचनी होंगी, वो एग्जामिनर हमें बताएगा। तो हमने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि हमने वर्किंग कैसे करनी है। देखिए सेल कितनी हुई, 1 लाख, उसमें से सेल रिटर्न हो गई 5,000, तो 95,000 रिसीवेबल रह गया था, 70,000 तो वैसे ही रिसीव हो गया है, तो जो रिसीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तो कोई डाउट नहीं है। कितने पैसे लेकिन अभी भी रिसीव होने हैं, तो लेट्स अज्यूम उन पे, उन 25,000 रुपीस पे आपको ये डाउट है कि इसमें से शायद 10% अमाउंट रिसीव ना हो सके। इट मींस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स, तो ये जो 2500 कैलकुलेट हुआ है, कैसे कैलकुलेट हुआ, क्लोजिंग डेट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डाउट, ये एग्जामिनर बताएगा। तो ये इससे जो अमाउंट आएगी इसे कहते हैं एस्टिमेटेड, एक एक सेकंड, एस्टिमेटेड बैड डेट्स, और इसी को ऑब्वियसली जो वर्ड आप बोल रहे हैं वो भी कह सकते हैं, डाउटफुल डेट्स भी वर्ड लिखा जाता है इसके लिए। तो डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि डेटर्स की पहले अमाउंट फाइंड आउट कर ली जाए, और फिर कोई गिवन रेट हुआ करेगा उसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगी उसका नाम एस्टिमेटेड बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स कह लें आप, वो उसका नाम है। बाकी इसका करना फिर क्या है, यहाँ तक वर्किंग लिख लें, फिर इसकी एंट्रीज आपसे बनवाता हूँ। इधर पानी थोड़ा सा, जी बेटा एस्टिमेटेड बैड डेट्स कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप पहले डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लें, जो इस केस में 25,000 था, और फिर एग्जाम क्वेश्चन में आपको रेट एक दिया हुआ करेगा कि कितने परसेंट डाउट है, उस रेट को फिर मल्टीप्लाई करके आप एस्टिमेटेड बैड डेट्स की अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। जी अगर नोट कर ले तो कंडली बताना था, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को करना। जी सर लिख लिया सर। देन सर नेक्स्ट अब सवाल ये पैदा होगा कि इस 2500 की जो अमाउंट आ गई है इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या है,
क्या ये एक्चुअल बैड डेट्स है? एक्चुअल बैड डेट्स अगर कभी मैं वर्ड बोलूं तो उससे क्या मीनिंग समझ आएगा जो कंफर्म है? अगर एक्चुअल बैड डेट्स हो तो उसकी काउंटिंग एंट्री क्या फाइनल होगी? भी है बैड डेट्स डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, ये एक्चुअल अभी नहीं हुए, अंदाजा है हमारा के हो जाएंगे, हो सकते हैं, तो इसकी एंट्री हमें किस कॉन्सेप्ट की वजह से इमीडिएटली करनी है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? क्या एक्सपेंस इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? तो इमीडिएटली मीन्स जिस साल के एंड पे आप हैं उसी साल के एंड पे आप बैड डेट एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। कितने से? 25। डन सर? डन सर। किस कॉन्सेप्ट ने हमें फोर्स किया एंट्री करते हुए? तो एक्सपेंस तो डेबिट हो गया। अब क्या इसके अगेंस्ट डेटर क्रेडिट कर दें? डेटर बेटा इस वक्त इमीडिएटली इसलिए क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि एक्चुअल बैड डेट्स इससे ज्यादा हो जाए, हो सकता है इससे कम हो जाए, अभी एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। तो फिलहाल डेटर्स तो क्रेडिट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डेटर क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है कि रिसीवेबल हमने खत्म कर दिया, तो रिसीवेबल तो तभी खत्म करेंगे जब एक्चुअल बैड डेट्स हो जाएंगे। लेकिन डबल एंट्री बैलेंस करने के लिए एक टेम्पररी अकाउंट बन जाएगा, कंसंट्रेशन सुनिएगा, टेम्पररी अकाउंट उसी तरह बन जाएगा जिस तरह डेप्रिसिएशन की तरह एंट्री बोला था, डेप्रिसिएशन डेबिट होके एसेट अकाउंट में भी क्रेडिट हो सकती है, लेकिन समटाइम्स एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग भी बनता है। तो अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना हो तो उसका उसकी डबल एंट्री बताया जरा, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट मींस क्या होता है? एसेट कम होता। तो बिल्कुल उसी तरह का हेड जिस तरह एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हेड है, जिसका एसेट से ताल्लुक है, टेम्पररी तौर पर डेटर्स क्रेडिट करने के बजाय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर वाला एक हेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से, जस्ट अ मिनट लेट मी फिनिश, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। क्या क्रेडिट होने की बजाय किस नाम से क्या क्रेडिट हो जाएगा? डेटर्स क्रेडिट होने की बजाय अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से 2500 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा? लेट मी कंक्लूड। क्या फिर ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से भी कोई नया लेजर खुल जाएगा? सर जी खुल जाएगा सर। इसकी नेचर जो है इस हेड की बिल्कुल उसी तरह से है, इट इज जस्ट लाइक चार चीजें मैं गिनवाऊंगा ताकि पुरानी के बीच में आ जाए। जस्ट लाइक सेल रिटर्न, याद है सेल रिटर्न का काम सेल्स कम करना। जस्ट लाइक परचेज रिटर्न, परचेजेस कम हो रही है। जस्ट लाइक ड्रॉइंग्स, कैपिटल कम हो रहा है। जस्ट लाइक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट्स में से कौन से एसेट्स? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कम हो रहा है। और अलाउंस फॉर डाउनफॉल डेट्स ने क्या करना है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स ने क्या करना है? डेटर्स को कम करना। लेकिन लेजर अलग होगा उसी तरह से जिस तरह एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर होता है। तो इसकी नेचर इज जस्ट लाइक, बोले बोले पांच तो चार चीजें गिनवाए, सेल रिटर्न। व्हाट इज द मीनिंग ये सेल रिटर्न? इसका सेल रिटर्न सेल को कम करती है, परचेज रिटर्न किसको कम करती है? ड्रॉइंग्स किसको? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसको? उसी तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स किसको? डेटर्स को। लिख रहे हैं यहां तक? फिर एक अलाउंस का लेजर बनाना मेरे साथ। जी सर।
नहीं उससे मैंने दो नाम दिए, एस्टिमेटेड बैड डेट्स भी कहा, डाउटफुल डेट्स भी, तो इसको भी हम ये भी कह सकते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स। नहीं आप इसको इस तरह लिखना, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सिर्फ डाउटफुल डेट्स भी लिखा जा सकता है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सिर्फ बैड डेट्स, एक्सपेंस इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, ये भी बैड डेट्स, बस फर्क क्या है कि ये बैड डेट्स अभी एक्चुअली नहीं हुए, लेकिन फिर रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड है, तो है खर्चा, तो बैड डेट्स के अगेंस्ट अगर डेटर्स क्रेडिट हो रहे होंगे तो इट मीन्स एक्चुअल बैड डेट्स है, और बैड डेट्स के अगेंस्ट अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का लेजर बन रहा है तो देन इसका मतलब ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स की बात होगी। दोनों केसेस में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है बाय द नेम ऑफ बैड डेट्स, है ना? अब एक मिनट जरा कांडी रुक जाए, पहले मैं बात अपनी पूरी जरा समझा लूं। अब जरा एंट्री जरा देखें, जरा क्या बैड डेट्स के नाम से 2500 का कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा सर? बैड डेट्स के लेजर बनेगा सर? सर बनेगा सर, बैड डेट्स के लेजर में अमाउंट किस तरफ आएगी? डेबिट साइड पे रेफरेंस अलाउंस होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर अलाउंस का लेजर मैं बनाऊंगा तो अमाउंट क्रेडिट साइड पे होगी, रेफरेंस कितना होगा? बैड डेट्स, लेट मी फिनिश, मैं भी फर्स्ट ईयर रिज्यूम कर रहा हूँ, तो लेट्स रिज्यूम, और अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो यही 2500 सीडी बन जाएगा, डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ये 2500 का क्रेडिट बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, बस यही फाइनल करना। मैं कभी आपके सामने लफ्ज बोलूं बैड डेट्स तो आपके जेन में आने चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट्स, बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस, लेकिन अगर मैं आपके सामने लफ्ज बोलूं अलाउंस फॉर बैड डेट्स तो आपके जहन में आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेटर्स, जिस तरह आपके सामने डेप्रिसिएशन अगर लफ्ज बोला जाए तो आपके जहन में क्या आएगा कि मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो मैं एसेट की रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले एसेट्स की। बिल्कुल उसी तरह से बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स ने डेटर्स को कम करना है, ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता अनलेस एक्सपेंस कम हो रहे हो, तो इस क्रेडिट बैलेंस का ताल्लुक किससे है? डेटर्स से है, डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस क्यों होगा, वो एसेट है, तो ये 2500 डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस में से लेस करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वैसे ही लिखेंगे जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट की कॉस्ट में से लेस करके WDV कैलकुलेट करते हैं। तो प्लीज ये 2500 कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? यहां तक आए जरा, इसके साथ एक पूरा सेंटेंस लिखा जरा, ये 2500 तक आ जाए, लेजर बना लो, फिर इसके साथ एक सेंटेंस लिखना मेरे साथ। तो अगर बैड डेट्स अभी एक्चुअल ना हुए हो, एस्टिमेटेड हो, तो डायरेक्टली डेटर क्रेडिट करने की बजाय किस नाम से हेड बन गया है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से एक हेड बन गया है, इसका फिर होना क्या है जरा फाइनल कर लेते हैं जरा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट, या पूरा लिखा था अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट, इज डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन।
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। ये सेंटेंस काइंडली लिख के जरा तीन दफा बोल दे, जरा एक दफा देख के और दो दफा जुबानी। जरा किसका क्लोजिंग बैलेंस किससे, किसके क्लोजिंग बैलेंस से कहां जाके नेट होगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स ने डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस से कहां जाके नेट ऑफ होना? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। अगर बैड डेट्स आपके सामने वर्ड बोला जाए तो आपके जहन में काइंडली प्लीज क्या आना चाहिए कि एक्सपेंसिस की बात हो, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस की बात हो रही है। और अगर अलाउंस की बात हो रही हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें अलाउंस ने डेटर्स से नेट ऑफ होना। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड से आपके जहन में आएगा कि एसेट्स कम हो रहे हैं, उसी तरह अलाउंस का बैलेंस जितना बढ़ता जाएगा क्या इसका मतलब रिसीवेबल उतना ही कम होता जा रहा होगा? अगर हमारा ये खदशा कि बैड डेट्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाने का खदशा है, तो रिसीवेबल हमारा कम होता जा रहा हो। मीन्स टू से फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, अब जो हमने फिगर्स लिखी हैं इनकी बेस पे अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया, जरा लिखे बनाया अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सट्रैक्ट वर्ड याद सर? इस तरह ना करें कंडीप, तो कुछ दिन ही पहले की बात है यार। एक्सट्रैक्ट वर्ड सुना है कभी सर? किससे सुना है सर? अपने आप से सुना सर, मैंने तो एक दफा बताया था, उसके बाद आपने खुद सुना। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स में एसेट्स आएंगे, एसेट्स आएंगे सर। उन एसेट्स में रुक जाए जहां भी एक मिनट जी, जस्ट रिक्वायर्ड पोर्शन, बिल्कुल ठीक है। अपना जरा डाटा देखें जो ऊपर लिखा हमने भी, डेटर्स के सामने बाकी डिफरेंटली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले एसेट्स, लैंड बिल्डिंग वो सब छोड़ रहा हूं मैं। डेटर्स के सामने अकॉर्डिंग टू दिस डाटा अभी जो बनाया हमने, कितना लिखा जाएगा? 25 बटा लिखा रहा है। नहीं वो तो पिछले एग्जांपल थी ना, ये जो अभी एग्जांपल बनाई है जिसके बेस पे ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स कैलकुलेट हुआ है। क्लोजिंग डेटर्स आएंगे 25,000 और उसमें से फिर लेस क्या होगा? बैड डेट्स लिखो या अलाउंस लिखो? अलाउंस वर्ड भी सही होना चाहिए, बैड डेट्स नहीं। बैड डेट्स कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंसिव में प्लस करेंगे, तो ये वर्ड से फर्क पड़ता है। यहाँ पे क्या वर्ड आएंगे? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितना बैलेंस है? 2500। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट 2500 इज डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। इन फिगर्स का मीनिंग ये है कि 25,000 रिसीवेबल है तो सही, लेकिन उसमें से 2500 का रिसीवेबल एक्सपेक्टेड नहीं है कि मिलेगा। तो इट मीन्स फाइनली 22,500 वो रिसीवेबल है जो मिलने का चांस है। डन है प्लीज? टोटल रिसीवेबल कितना है? 25,000, उसमें से डाउट कितने पे है? और अल्हम्दुलिल्लाह गुड डेटर्स या जो डेटर्स रिसीव हो जाएंगे वो कितना है? 22,500 एक नेट अमाउंट आ जाएगा। ठीक हो गया, लिखे। तो किसका क्लोजिंग बैलेंस, किसके क्लोजिंग बैलेंस में से कहां जाके लेस होना है? लिखते हुए आराम से लिखते हुए आंसर बनाएगा। क्या ढूंढ रहे हैं सर? साथ वाले दोस्तों यारों को ढूंढ रहे हैं, उनका क्या काम सर? यहाँ वो आराम से घर बैठे पढ़ रहे हैं, क्या हो गया? जी जी माशाल्लाह सारे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आज, काफी सारे माशाल्लाह, मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर हो गया सर, यहां तक जितनी बातें हुई हैं फाइनल हो गई।
अब यहां बेटा इस डिस्कशन में जो आज हमने की है, यहां से दो एंट्री जरा फाइनल करा जरा, एंट्री ऑफ दोबारा लिख के कर लगा एक्चुअल बैड डेट्स, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट लिख लगा, बस स्टोरी में ये दो तीन एंट्रीज निकलनी और, लेकिन इंपॉर्टेंट बहरहाल कॉन्सेप्ट है यहां भी और आगे जाके और फिर यूज होना इसे। एंट्री ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स, क्या एंट्री ध्यान में आया करेगी, बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट, एक्चुअल से क्या समझा करेंगे आप, हो चुके हैं सही वर्ड, शक वाली बात नहीं, हो गया नुकसान हो गया है, एक्चुअली बैड डेट्स हो गए, एक्चुअली पैसे रिकवरेबल हो गए हैं, कंफर्म है कि अब ये पैसे नहीं मिलेंगे, डाउट खत्म हो गया, लेकिन व्हाट इज द एंट्री ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और डेफिनेटली इसके साथ इस तरह से जरा एक वर्ड और लिख लें, कभी कभी अलाउंस फॉर बैड डेट्स को अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, मतलब इंटरचेंजेबली वर्ड अलाउंस फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स भी यूज हो जाता है। बैड डेट्स के लफ्ज से जहन कहाँ जाना चाहिए, एक्सपेंसेस में जाना चाहिए, एक्सपेंसेस की बात हो रही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का लफ्ज सुन के आपका जहन कहाँ जाना चाहिए, कि डेटर्स की रिडक्शन की बात हो रही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में डेटर्स की रिडक्शन की बात हो रही है। बाकी अब एक नजर आप रिवाइज कर लें जो पढ़ा अभी आज, अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है जहन में तो बताएं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है जरा काइंडली एक नज़र रिवाइज कर लें सर आज वाला। चैंपियंस की सर यही निशानी होती है कि उन्हें अपने मिशन से गर्ज होती है, वो ये नहीं देख रहे देखते कि लोग क्या कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या ख्याल है, नहीं सही क्या जी, जिस तरह बेटा सेल रिटर्न्स जो है, जिस तरह सेल रिटर्न्स जो है सेल्स को कम करती हैं, क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन एसेट्स को, उसी तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ये डेटर्स को कम करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो आपके जहन में ही आना चाहिए कि देयरफॉर डेटर्स वाला रिसीवेबल कम होता जा रहा है, ठीक है, तो इट शोज रिडक्शन इन डेटर्स, रिडक्शन इन डेटर्स, ओके प्लीज अब कर देन कैंडली बेटा एक एग्जाम्पल हमने बनानी है जरा तीन चार सालों की, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट बीच में आ जाए। आमने सामने अगर लेजर खोल सकें, एक डेटर अकाउंट और उसके सामने अलाउंस अकाउंट, आमने सामने अगर खोलेंगे जरा बेहतर रहेगा, लेकिन देख लें अगर आपको महसूस हो कि नहीं सही बनता, बस इतनी ज़्यादा स्पेस हमें नहीं चाहिए, मेरे ख्याल बन जाएगा, पेज के सेंटर में एक लाइन लगा लें लेफ्ट राइट साइड पर कैंडी, अगर लेजर खोल लें, एक डेटर अकाउंट एंड ऑपोजिट साइड पे एक अलाउंस अकाउंट,
डेटर अकाउंटेंट, अलाउंस अकाउंट, खोलिएगा लेजर, पहले मेरे कंप्लीट करना है एक एक साल, फिर आपने बाद में लिखना। लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, वहां से शुरू कर रहे हैं, तो देयरफॉर फर्स्ट ईयर में बीडी नहीं होगा। बताएं क्या अलाउंस अकाउंट का बीडी पॉसिबल है? क्या अलाउंस अकाउंट का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से है? तो क्या यहां बीडी हो सकता है? एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन के तरह अकाउंट है सर, ये पॉसिबल है सर, लेकिन फर्स्ट ईयर बिजनेस है इसलिए ड्रॉ डाउन है नहीं। पॉसिबल क्यों है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम है सर, प्लीज सर जी ना करें, पिछले पेज पे जाएं जरा एक बार। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर अकाउंट? 25,000 ही ब्रॉट डाउन बनेगा नेक्स्ट ईयर। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट? 2500 ब्रॉट डाउन बनेगा एज अ क्रेडिट बैलेंस। कहां किन लेजर्स के ब्रॉट डाउन नहीं होते? जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना हो, एक्सपेंसेस और इनकम्स, लेकिन जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बनेंगे। एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन होता है सर, सही होता है सर, तो इसी तरह बड़ा अलाउंस का भी हो गया, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ईयर बिजनेस है तो इसलिए ब्रॉट डाउन होंगे नहीं, क्योंकि कैरिट डाउन्स को ब्रॉट डाउन किया जाता है। फर्स्ट ईयर बिजनेस में क्या ना होने से फिर क्या नहीं होगा? लास्ट ईयर कैरिट डाउन ना होने से ब्रॉट डाउन भी नहीं होगा। ये सही तरह याद आ गई प्लीज? क्या बैड डेट्स का ब्रॉट डाउन होगा? सर बैड डेट्स का ब्रॉट डाउन होगा सर, सेल्स का ब्रॉट डाउन, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का, अलाउंस का, बैलेंस शीट आइटम तो है क्यों नहीं? फर्स्ट ईयर जी सेल की एंट्री बोलना। और सर जी बोल रहे हैं यार फर्स्ट की एंट्री क्या हो गया यार, डेटर डेबिट सेल रिटर्न की बोला, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, कैश की बोलना, कैश डेबिट सपोज 3 लाख, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट। Then suppose इस साल कुछ एक्चुअल बैड डेट्स हो गए हैं, इस साल कुछ बैड डेट्स कंफर्म हो गए हैं, एक्चुअल बैड डेट्स की एंट्री बोला, बैड डेट्स डेबिट डेटर क्रेडिट, फॉर एग्जाम्पल ये बैड डेट्स हो गए हैं, बनाए ले जाए लिख के जरा सीडी बैलेंस निकालो। वन लैक 85,000 कौन सा बैलेंस है सर? डेबिट बैलेंस। इस तरह वाली ये वाली चीजें खराब ना हो रही है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट साइड ज्यादा है, नहीं डेबिट साइड वाकई ज्यादा है, इसलिए तो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे है। डेबिट साइड ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस क्रेडिट साइड पे है, डेबिट बैलेंस है। तो एस्टिमेटेड बेटा बैड डेट्स की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होने से पहले आपने हमेशा डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लेना है। देन इज एन अकाउंटेंट शुरू करें अभी। अब क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है? 1,85,000 क्लोजिंग रिसीवेबल है।
फिर देन ईयर एंड पे आप ये सोचेंगे कि क्या इन अमाउंट ऑफ रिसीवेबल के अगेंस्ट भी हमें बैड डेट्स की फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। लेट्स सी, अगर आप ये सोचते हैं कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन ऑफ बैड डेट्स नहीं है तो कौन सा कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा, अलाउंस वाला कॉन्सेप्ट खत्म ही हो जाएगा और इट मीन्स प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि लॉस फ्यूचर में होगा तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेप्स क्या है, प्लीज सबसे पहले क्या निकल आना चाहिए, क्लोजिंग डेटर्स, देन फिर उसके बाद प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप ये एस्टीमेट करेंगे कि कितनी अमाउंट ऐसी है जो बैड डेट हो सकती है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर आपको अलाउंस दिए का रेट कोई दिया होगा तो आप वर्किंग कर सकते हैं। तो अगर तो कोई अलाउंस का रेट नहीं गिवन है तो देन किसी अलाउंस की कोई फर्दर वर्किंग नहीं है। लेकिन अगर अलाउंस का रेट गिवन है तो आप सिंपली क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ा, लेट्स अज्यूम 5% रेट गिवन है तो किससे रेट मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्लोजिंग डेटर्स से। 9 to 5 0 का मीनिंग बता दें, ये अब एस्टिमेटेड बैड डेट्स है, ये एस्टिमेटेड बैड डेट्स की अमाउंट आ जाएगी। इस 9 to 5 0 का अब क्या करना है, गौर से पहले मेरी बात पूरी सुननी है। आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान में लाना, मैं जरा एब्रीवेशन लिख रहा हूं जस्ट टू सेव टाइम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन फर्स्ट ईयर एंड। फर्स्ट ईयर एंड पे अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स लिख रहे हो तो एसेट्स में डेटर्स के सामने क्या अमाउंट आ रही होगी, 185, फुल कंसंट्रेट करें। फिर अब उसमें से लेस कितना होना चाहिए, किस नाम से, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से 9 to 5 0 लेस होना चाहिए सर। तो क्लोजिंग अलाउंस 9 to 5 0 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग डेटर्स ऑफ 185,000 टू गेट द रिमेनिंग डेटर्स अमाउंट ऑफ 175,750। तो टोटल रिसीवेबल 185,000 ही है लेकिन उसमें से 9 to 5 0 पे डाउट है, देयरफॉर अनडाउटेड अमाउंट जिस पे डाउट नहीं है वो 175,750। यहां तक ठीक है सर? ठीक है सर, देन ठीक है सर, देन इस तरह करें, ये जो 9 to 5 0 आ गया इसकी जरा एंट्री बोले, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट। बैड डेट्स का यकीनन अपना लेजर होगा, इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी वो भी बनाएंगे, लेकिन अलाउंस के लेजर में अगर बैड डेट्स लिखने हो तो किस तरफ लिखूं, 9 to 5 0 डन है सर। और फर्स्ट का बिजनेस है देयरफॉर ब्रॉट डाउन का कोई इशू नहीं है, तो 9 to 5 0 टोटल हो जाएगा और यही 9 to 5 0 सीडी बन जाएगा। और ये जो सीडी है 9 to 5 0 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग डेटर्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। बात मेरी प्लीज समझ आ गई, आप लोगों ने करना भी है, जो मैंने राइट साइड पे वर्किंग की है ये आपने करनी नेक्स्ट पेज पे, इसलिए करनी क्योंकि अभी हमने 4 साल नीचे कंप्लीट करना है, तो ये नेक्स्ट पेज पे ये भी वर्किंग लिखे अलाउंस का लेजर भी कंप्लीट करें, तो नीचे जो खाली जगह करनी है उसको जरा नेक्स्ट ईयर में यूज करना। तो ये जो मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा साथ साथ इसे काइंडली जरा नेक्स्ट पेज पे साफ सुथरा लिखें। ऑनलाइन साइड कर लीजिए, आप लिख लेंगे तो बताइएगा थोड़ा।
नीचे बैठ सब लोग हैं उनके पास बैठ पारेगी थोड़ी देर में लग जाएगी मैं फिर आता नाने से ये लिखे हैं सर ने नेक्स्ट ईयर जरा ब्रॉड डाउन उठाएं उठेंगे डेटर के लेजर में कितना ब्रॉड डाउन लिखा 185 लेजर से लेते ही है सर मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नेटिंग ऑफ हुई है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन में हुई है वरना डेटर का लेजर अलहदा है और अलाउंस का अलहदा है अलाउंस का ब्रॉड डाउन 9 to 50 लेकिन क्रेडिट बैलेंस हो कहीं कहीं लिखा जा रहा है तो मुझे बता दें कोई पीछे रह गए ब्रॉड डाउन से पीछे पीछे लिख लिया सबने जी सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई लिख तो नहीं रहा इस वक्त पिछला चले जी आगे पहले सुने सारा सेल्स की एंट्री डेटा डेबिट सेल्स क्रेडिट तो सेल रिटर्न्स अज्यूम कर लेते हैं सेल रिटर्न्स की एंट्री सेल रिटर्न डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट लिखे यहां तक एंट्रीज बोला करें यार ये टिप्स पे होनी चाहिए डेटा डेबिट सेल क्रेडिट सेल रिटर्न्स डेबिट डेटर क्रेडिट कैश डेबिट डेटर क्रेडिट डिस्काउंट अलाउ ये सपोज डिस्काउंट अलाउ डेबिट पूरा करें डेटर क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव वाली एंट्रीज हैं मिला कोशिश करें ढूंढ के कर लें बोल देख के बोल लें क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट लेकिन क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव का डेटर से कोई ताल्लुक नहीं डिस्काउंट रिसीव होने से लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी की इस वक्त डिस्कशन नहीं हो रही रिसीवेबल कब कम होगा जब डिस्काउंट अलाउ की जाएगी ठीक है तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव की बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि हम डेटर्स की डिस्कशन कर रहे हैं आज हजम लिख के यहां तक बैलेंस करने लगे जी सर क्या परेशानी है ऐसे सीढ़ी नहीं करेगा सर जी 3,50,000 पहले चेक कर लें 350 मरखला बनता जी डेबिट बैलेंस ये हो गया यार हो गया सर देन सर लेट्स अज्यूम बस आप लिखना छोड़ दीजिएगा कि आपको एग्जामिनर ने ये कहा है कि सेकेंड ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स में से 10% अमाउंट का चांस है कि बैड डेट हो जाएगी ये परसेंटेजेस हमने खुद से नहीं सोचनी होंगी हमें एग्जामिनर बताएगा हमने अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी है क्या ये हो सकता है कि हर साल एक्सपेक्टेशन ऑफ बैड डेट्स डिफरेंट परसेंटेज से हो जाए तो लेट्स अज्यूम सेकेंड ईयर के एंड पे वी आर एक्सपेक्टिंग 10% ऑफ रिसीवेबल नहीं मिलेगा तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स सर ये सॉल्व कर लें सर पहले नेक्स्ट पेज पे करना है अब अगर सेकेंड ईयर के एंड पे ये चेक्स बन रहे हो
as on second year end. As on second year end. तो डेटर्स के सामने क्या नजर आएगा, कितना कितना नजर आएगा? 3,50,000, 3,50,000। उसमें किस नाम से क्या लेस हुआ नजर आ रहा होगा? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स के नाम से कितना नजर आ रहा होगा? 3,500 या 35,000? 35,000 हो जाएगा मेरा, 350 का 10% रेट है। तो प्लीज फाइनली एक दफा फिर सेंटेंस सुन लें। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बोल लें पूरा सेंटेंस रहा। Closing balance of allowance of 35,000 should be deducted from the closing balance of debtors, that is 3,50,000, to get the net debtors of 3,15,000. ठीक है? Then sir, इसके बाद एक नई सी चीज आ रही है, नए तरीके से चीज आ रही है, तो पहले उसको समझना जरा। यहां तक ठीक है? नोट कर दिए? नोट कर ले तो बता दीजिएगा। देन सर, ये 3,50,000 को जब 10% रेट हमने मल्टीप्लाई की है तो फिगर आ गई है 35,000। अब 35,000 के बैड डेट्स हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमें पैसे शायद फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। ठीक है? अब अगर मैं इस 35,000 की फुल कंसंट्रेशन और सिर्फ देखना अपना, अगर इस 35,000 की मैं एंट्री करूं बैड डेट्स डेबिट और अलाउंस क्रेडिट, वही करूंगा जो आपको पता है। तो ये एंट्री इस तरह पोस्ट होगी, सिर्फ देखना आपको पहले। अलाउंस का लेजर बना रहा हूं, बैड डेट्स का यकीनन लेजर होगा, उसमें अपनी फिगर आएगी। तो बैड डेट्स डेबिट और अलाउंस क्रेडिट अगर मैं वैसे ही करूं फिलहाल जैसे हम पहले से यूज टू हैं, तो मैं सही कह रहा हूं क्या होगा? सही है मेरी पोस्टिंग? दोबारा एंट्री बोलना। देन जरा कैंडली मुझे जरा ये लेजर बैलेंस करवाए। अब इसमें ब्रॉड डाउन भी है, सिर्फ करवाएं करवाएं। हाँ जी, 44,250। अब इसमें ओपनिंग भी है तो देन इसका फिर क्लोजिंग बैलेंस है कितना होगा? कितने की बजाय कितना होगा? 35,000 की बजाय 44,250 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें ब्रॉड डाउन का इफेक्ट भी है। फर्स्ट ईयर ये इश्यू क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें ब्रॉड डाउन नहीं था। सेकंड ईयर में ये इश्यू क्यों आया है? क्योंकि ब्रॉड डाउन है। अब ब्रॉड डाउन का मीनिंग क्या है वो मेरे से सुना था। वो यकीन है ब्रॉड डाउन का मीनिंग ओपनिंग है, लेकिन ब्रॉड डाउन का यहां जो मीनिंग आपको समझ आना चाहिए वो ये है कि 9,250 को गौर से जरा देखें ब्रॉड डाउन के सामने। क्या अप टू द एक्सटेंट ऑफ 9,250 पिछले साल में, फर्स्ट ईयर में, पिछले साल में एक्सपेंस एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड हो गया था? पिछले साल का लेटर देखें जरा, क्या 9,250 का एक्सपेंस लास्ट ईयर तक रिकॉर्ड हो गया है? सर जी हो गया है। अब सेकेंड ईयर के एंड पे आप कितना एक्सपेंस फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 35,000। तो 35,000 में से 9,250 का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। अगर हम पूरा 35,000 की डबल एंट्री कर लेंगे तो फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमारे एक्सपेक्टेड बैड डेट्स की अमाउंट से ज्यादा आ जाएगा। यहां क्लोजिंग बैलेंस होना कितना चाहिए था सेकेंड ईयर के एंड पे, तो ये ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्रॉड डाउन है। इट मींस 35,000 का सारा एक्सपेंस अब सेकेंड ईयर में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कितना एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है? 9,250। कैलकुलेटर पकड़ रखो।
9250 के एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और टोटल क्लोजिंग होना कितना चाहिए 35,000, तो 35,000 में से डिफरेंस रह रहा। बिल्कुल रिलैक्स रहना, एक नई चीज है लेकिन आराम से रहिएगा, साथ साथ मेरे चलिएगा, बड़े आराम से बात समझ आ जाएगी। 9250 का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 35,000 टोटल रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसे ही है? तो हम 9250 के अलाउंस को कितने से अगर और बढ़ा दें तो हमारा टोटल एक्सपेंस 35,000 तक रिकॉर्ड हो जाएगा। 25,000 7 to 5 डिफरेंस फाइंड आउट किया सर ने? सर जी प्लीज, किया सर? सर कैसे किया सर? कैलकुलेटर पे सर। तो असल में ये वर्किंग हो कैसे रही है, इसका तरीका ये होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रखना। जब भी कभी आप डेटर्स के साथ क्लोजिंग रेट मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स 350,000 इनटू 10%, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैलकुलेट हुआ करेगा। क्या इस 35,000 है, जरा सेकंड पेज पे जाना, क्या इस 35,000 के क्लोजिंग बैलेंस में 350,000 से लेस होना? तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो जब आप डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कौन सी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। देन फिर एक्सपेंस की अमाउंट तक हम कैसे पहुंचा करेंगे, बोर्ड पे देखें जरा। मैं क्या 35,000 को एज ए सीडी लिख दूं यहां और ब्रॉड डाउन 9250 है, हिम्मत हिम्मत, तो बताएं आप टोटल पहले कहां करूं, टोटल पहले कहां करूं, पहले कहां करूं, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे। अब ऑपोजिट साइड मींस क्रेडिट साइड पे भी कितना टोटल होना चाहिए? 35,000। ऐसे ही है सर। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 35,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस? क्या अलाउंस ने बढ़ना है? क्या 9250 ओपनिंग है और 35,000 क्लोजिंग है, तो अलाउंस ने बढ़ना है या कम होना है? कितने रुपए वाला ओपनिंग अलाउंस कितने रुपए के क्लोजिंग अलाउंस के बराबर होना है? 9250 का ओपनिंग बैलेंस है, इसे कितना होना है? तो इसे इंक्रीज होना है। अलाउंस में इंक्रीज आना है या डिक्रीज आना है? इंक्रीज या डिक्रीज? कैसे पता चला करेगा कि इंक्रीज आना है या डिक्रीज आना? ओपनिंग ज्यादा हुआ करेगा या क्लोजिंग ज्यादा हुआ करेगा? अगर ओपनिंग कम है और क्लोजिंग ज्यादा है, व्हाट डज इट मींस? आप डिफरेंस ले लें, दोबारा एक मिनट जीरो करके डिफरेंस ले लें कैलकुलेटर से। तो कितने से अगर हम अपने अलाउंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारा ओपनिंग 9250 क्लोजिंग 35,000 के इक्वल हो जाएगा। इसका सिंपली तरीका क्या अडॉप्ट कर रहा हूं मैं, दोनों साइड्स का डिफरेंस ले रहा हूं, कितना डिफरेंस आ रहा है? 25,000 750 को मैंने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, ये आपको पता है? गौर से देखेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखना है, डेबिट साइड पे 35,000 टोटल है और क्रेडिट साइड पे 9250 की फिगर है। तो मैं किस साइड पे अगर लिखूंगा तो ये लेजर बैलेंस होगा, दोनों साइड्स बैलेंस होंगे। तो 525750 की अमाउंट वो है जिससे हमारा ओपनिंग अलाउंस इंक्रीज होना है। तो अलाउंस अगर इंक्रीज होना है, लास्ट अप प्लीज, अलाउंस अगर इंक्रीज होना है तो अलाउंस ने डेबिट होना है या क्रेडिट होना है? अभी तक किस डिस्कशन में आपको क्या पता चला कि अलाउंस क्रेडिट फिगर है या डेबिट फिगर है? अलाउंस की क्रेडिट फिगर क्यों है? क्योंकि उसने डेटर्स को कम करना है। तो अलाउंस डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? बोर्ड पे देखें कितने से क्रेडिट हो रहा है, 25,750 से। तो ये डबल एंट्री कैसे पूरी होगी? बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। तो मैंने बैड डेट्स को 35,000 रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि 35,000 फॉर द ईयर का एक्सपेंस नहीं है, 35,000 एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस है। दोबारा कंसिडरेशन देखें बोर्ड पे, कितने रुपए का एक्सपेंस हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये फिगर हमारे सामने ना भी हो, तो मैं अगर अलाउंस का लेजर कभी भी बनाऊं आपके सामने और ब्रॉड डाउन उसमें लिख दूं 20,000, तो क्या हमें सबको पता है कि 20,000 तक का एक्सपेंस पिछले सालों में रिकॉर्ड हो चुका होगा? और सपोज अगर हमारी वर्किंग से ये पता चल जाए कि क्लोजिंग अलाउंस 45,000 होना चाहिए, कंसोलिडेट करें जरा, कितना ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कितना ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कितना टोटल होना चाहिए,
कितने से अलाउंस और बढ़ाऊं, क्या डबल एंट्री करूं, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट। तो इसमें सिर्फ नई चीज ये है कि जब आप डेटर को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर द ईयर एक्सपेंस की अमाउंट नहीं आती, फॉर द ईयर एक्सपेंस की अमाउंट नहीं आती, पहले क्लोजिंग कैलकुलेट हो जाता है तो उसको एज अ सीडी बैलेंस लिख लिया करेंगे, फिर ओपनिंग से कंपेयर करके फाइंड आउट कर लिया करेंगे कि फर्दर कितने बैड डेट्स की एंट्री करने की जरूरत है। तो दोबारा जरा बोर्ड पे देखेंगे, मैं 25750 तक कैसे पहुंचा, मैंने सबसे पहले क्या ख्याल में अलाउंस के एंगल से ब्रॉड डाउन लिखा, लिखा सर, फिर मैंने डेटर्स का बैलेंस निकाल लिया, उससे रेट मल्टीप्लाई किया, पहले क्या निकला क्लोजिंग बैलेंस निकला, फिर मैंने लेजर बैलेंस कर लिया और लेजर बैलेंस करके किस साइड पे डिफरेंस आया, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आया, और जो अलाउंस के अगेंस्ट डिफरेंस आया उसका मैंने डबल एंट्री बैड डेट्स लिख के कंप्लीट कर ली, क्या एंट्री बन गई, कितने से बैड डेट्स की एंट्री बनी, डबल एंट्री पूरी बोले अमाउंट के साथ, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट बाय रुपीज 25,750। इस साल के एंगल से बैड डेट्स कितने प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, इस साल बैड डेट्स कितने प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, 25750। सारा 35,000 इस साल प्रॉफिट लॉस में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि 9250 तक का बैड डेट्स हमने पिछले सालों में एस्टिमेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया था। तो सारी अमाउंट अगर हम दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे तो 9250 वाला एक्सपेंस डबल रिकॉर्ड हो जाएगा सेकंड ईयर में। तो तरीका इसका सिंपली फाइनली क्या है, पहले सीडी निकालना और फिर बीडी से कंपेयर करके फॉर द ईयर के बैड डेट्स पहुंचना। तो आई रिक्वेस्ट जिस तरीके से मैंने फिगर्स लिखी है उसको एक नजर दोबारा देखें और फिर आप उसको वैसे ही अपने हाथ से लिखिएगा, मैंने किस तरीके से फिगर्स लिखी है। नहीं पहले बेटा ब्रॉड डाउन आ गया, लेट्स ट्राई टू कंक्लूड। देन अब मैंने क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस से रेट लगाया, ठीक है, 35,000 को मैंने एज अ सीडी लिखा। आगे बोले क्या किया फिर मैंने, नहीं फिर मैंने दोनों साइड्स का टोटल सोच लिया और टोटल निकाल के फिर मैंने डिफरेंस लिख लिया। अब डिफरेंस क्योंकि लिखा जा रहा है तो इसलिए फिर मैंने उसको हाईलाइट इसलिए कर लिया ताकि पता चल जाए कि ये अमाउंट हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया है। क्या आंसर आया था ये? और फिर ये जो भी हाईलाइटेड अमाउंट मैंने सर्कल सा बना लिया, इसकी भी डबल एंट्री कैसे पूरी कर देंगे, अलाउंस डेबिट सॉरी बैड डेट्स डेबिट एंड अलाउंस क्रेडिट। यहां से पता ये चला है कि 25750 से फर्दर बैड डेट्स को अलाउंस के एंगल से इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ इंक्रीज इन अलाउंस, बैड डेट्स डेबिट एंड अलाउंस क्रेडिट। नोट कर लें, अपना पहले नोट कर लें फिर अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अभी डेफिनेटली हम दो साल और वर्किंग करते हैं, इंशाल्लाह ये बात जब रिपीट होगी फिर आप करवाइएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बैड डेट्स आते हैं या अलाउंस आता है, पहले ये दोबारा एकदम फाइनल कर लें। और अलाउंस का कौन सा बैलेंस आता है, क्लोजिंग अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम closing debtors in the statement of financial position. Opening allowance है 9250 और closing allowance है 35,000। तो इसमें इजाफा increase आ रहा है या decrease आ रहा है, allowance में increase है या decrease है, 9250 के ओपनिंग अलाउंस को कितने से बढ़के कितना क्लोजिंग होना है, 25,750 से बढ़के 35,000 होना है, ठीक है सर। क्या ये भी हो सकता है कि अलाउंस को ओपनिंग ज्यादा आ रहा हो, हमारी पिछले सालों में एक्सपेक्टेशन थी कि बैड डेट्स ज्यादा होंगे,
लेकिन अब फ्यूचर में हमें बैड डेट्स की एक्सपेक्टेशन कम है, क्या ऐसे भी पॉसिबल है? तो अभी मैं बाद में बुकिंग करूंगा, लेकिन इससे समझ क्या आता है कि अब अलाउंस ने इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि अलाउंस ने इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है? अगर ब्रॉड डाउन कम है और कैरी डाउन ज्यादा है तो व्हाट डज इट मींस? अलाउंस ने भरना है। और अगर ओपनिंग ज्यादा है, देखें जरा यहाँ ओपनिंग पहले कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कितना है, साल के एंड में 20 एक्सपेक्टेड है, तो कितने रुपए से अब अलाउंस बढ़ना है या कम होना है? कितने से कितने से ले लें डिफरेंस रेट, 25,000 से अलाउंस ने कम क्यों होना है? क्योंकि ओपनिंग कितना है और इसे होना कितना चाहिए, ठीक है? तो इंक्रीज डिक्रीज इन अलाउंस का पता कैसे चलेगा ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर कर। लेकिन रादर देन दैट कि हम उसे वहां फाइनल करें, जरा तो वापस आ जाए, ठीक है? क्लियर हो गया कुछ? लेकिन लेट मी फिनिश, मेरे ख्याल है 2 साल और कर लें, अब ये बात फिर रिपीट होगी तो वहां देख लेते हैं, शायद आपके जहन में जो चीजें हैं मेरे ख्याल शायद बाइंड अप हो जाए। तो 3rd ईयर में स्टार्ट करें अगर प्राइस से रिलेटेड है, ये 3rd ईयर स्टार्ट करें। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है, साथ है ब्रॉड डाउन उठाएं, 3,50,000 एंड ऑपोजिट साइड पे 35,000। अब ये 35,000 अलाउंस लिखते लिखते ही सोचें इसका मीनिंग क्या है, क्या 3 लाख सॉरी 35,000 तक का एक्सपेंस पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड हो गया हुआ? ये क्लियर है मेरे सेंटेंस? 9250 फर्स्ट ईयर में और 25750 सेकेंड ईयर में, लेकिन अप टू द एक्सटेंड ऑफ 35,000 पिछले सालों में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है। चले आज पहले कुछ ट्रांजेक्शन लिख लें डेटर अकाउंट में। लेट्स सी, इन 3rd ईयर में फर्दर सेल हुई 6 लाख, एंट्री बोलना, एंट्री बोल के लिखते थे सॉफ्ट, सेल रिटर्न की एंट्री लिख लें, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। लेट्स सी इनको कैश आ गया 4,40,000, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो बाय चेक पैसे आ गए हैं, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। लेजर बैलेंस करें, ये बेटा टोटल 950,000 हो गया, सीडी निकाला 4,45,000 नहीं बनता 445, यहां तक कट्ठे हो, डन सर? यहां तक आ गए तो रुक जाए, बस बैलेंस निकाल लें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कंडी बता दें। देन लिखना छोड़े पहले वर्किंग करें। लेट्स सी, अब अलाउंस का रेट 8% गिवन है, तो क्लोजिंग बैलेंस 8% मल्टीप्लाई करें 3,56,000 जेहन में रख के जरा नेक्स्ट पेज पे जाएं। पहले वंस अगेन जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट बनाएं। ये बेटा पहले बनाने का मकसद ये है कि पहले आपको ये पता चल जाए कि ये जो फिगर आ रही है इसने डेटर्स के क्लोजिंग में से लेस होना है एट द एज ऑन 3rd ईयर, एज ऑन 3rd ईयर एंड। अपने हाथ से जरा लिखें एसेट्स में डेटर्स और अलाउंस की अमाउंट कितनी कितनी आएगी, लिखें लिखें लिखें, एक मिनट लिखें, मैं बाद में लिखता हूँ।
जी डेटर्स के सामने 440, 445 क्लोजिंग फिगर्स ही आनी है ना यार, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स के सामने 8% ही डाउट है ना, इस अमाउंट में से 8% डाउट है, तो कितना बनता है 8%? 35,600, 409,400, ये फिर नेट डेटर्स आ गए, ये वो रिसीवर्स है जिसपे अब हमें डाउट नहीं है, 409,400, सॉरी 400, यहां तक ओके। अब लेजर आपने पहले बनवाना है जरा, इस केस में आप लेजर किस तरह बनाया करेंगे, किस तरतीब से? ब्रॉड डाउन लिख लिया, हाँ जी, पहले सीडी आ गया, सीडी कितना लिखा, प्लीज पूरा करवा दें, बस बात खत्म हो गई, 35,600 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, नहीं पहले टोटल, टोटल पहले किधर लिखूं, कंसंट्रेट करें, किधर किधर किधर, नहीं सीडी वाली साइड, कौन सी साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड पे क्यों, क्योंकि उधर टोटल ज्यादा है, उधर बड़ी अमाउंट है, टोटल ज्यादा है, इतना ही किधर होना चाहिए, क्रेडिट साइड पे। अब ओपनिंग देखें कितना है, 35,000, क्लोजिंग कितना है, किधर आ रहा है डिफरेंस, ये भी छोड़ दें, बस इस तरह बता दें किधर डिफरेंस आ रहा है, किधर अमाउंट कम है, डेबिट साइड पे अमाउंट कम है, साइड ही खराब हो गई, कौन सी साइड पे डिफरेंस है, कहां अमाउंट्स कम है, क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम है, क्या इतने से अभी भी अलाउंस ने भरना है, ये कैसे पता चला मुझे, ओपनिंग कितना नजर आ रहा है, क्लोजिंग कितना है, तो कितने बैलेंस को कितने से बढ़ा के कितना करना है, कितने बैलेंस को 35,000 के बैलेंस को कितने से 600 से बढ़ा के 35,600 करना है, क्या अलाउंस भर रहा है, अलाउंस भर रहा है, कितने से भर रहा है, क्या डबल एंट्री बनेगी, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं, मैंने क्रेडिट कर दिए, ये रेफरेंस बैड डेट्स का है, वरना अलाउंस क्रेडिट हो, लिखे अब कहीं इसी तरह लिखेगा जैसे मुझे लिखवाया, अब ये ना कह दीजिए मैंने कौन सा लिखवाया, तो डेटर्स के क्लोजिंग से जब रेट असल में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले क्या कैलकुलेट हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस, और उसके बाद फिर पता चल रहा है कि कितने से फर्दर अलाउंस में इंक्रीज है, फिर डेफिनेटली भी हम आखिरी में इंशाल्लाह बात करते हैं कि डिक्रीज अगर आ जाए फिर क्या करना है। इस साल मींस थर्ड ईयर में बैड डेट्स का एक्सपेंस इस स्टोरी में कितना रिकॉर्ड होगा, इस साल थर्ड ईयर में कितना फर्दर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, 600, पिछले तीन सालों में मिला के टोटल कितना रिकॉर्ड हो गया हुआ है, लेकिन ईयर वाइज एक्सपेंस जरा देखें, 9 to 50 पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, डन है सर, लास्ट ईयर शुरू करें, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आपकी कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी, जी वेटिंग फ्रॉम योर रिस्पॉन्स, वेटिंग फ्रॉम योर साइड फॉर अ रिस्पॉन्स, अगर क्लियर हो गया तो काइंडली बता दें, ताकि हम फिर आगे कोई जरूरत ना रहे फर्दर पिछली बातें करने की। जी ब्रॉड डाउन सुना, ठीक है, थैंक यू, 4,45,000 एंड 35,600 को दोबारा गौर से देखें, ये ब्रॉड डाउन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि प्रीवियस ईयर्स में 35,600 तक का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जा चुका है अलाउंस के अकाउंट में। चंद एक ट्रांजेक्शन लिख लें इस साल की, 4,50,000 डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट बाय 15,000, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट 7,00,000, नहीं बैंक चले रहने देते,
बस थोड़ी सी फिगर मतलब याद दहानी के लिए, बैंक भी हो सकता है, लिखना बैंक बाद में लिख लेता। यहाँ तक सीडी निकालना, मतलब असल बात पर जरा फोकस कर ले। मेन जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है अलाउंस के एंगल से, वो जरा एक और हो जाए जरा, फिर आप थक भी गए होंगे। अच्छा हो गया नहीं थके, वरना बात पूरी होगी तो थकेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो माशाल्लाह इतनी सारी कट्ठी छुट्टियां करनी है आपने तो काफी फ्रेश है, अभी भी फ्रेश। अच्छा जी, सीडी निकालें, फिनिशिंग टच सही है आपने करवाना जी। अब 1,80,000 तक आ गए जी सारे, सॉल्व किया करें प्लीज। जी नेक्स्ट क्या करना होता है, कुछ आपके जहन में बन गया? जब यहां तक आ रहे हैं फिर रेट ढूंढना होता है, तो लेट्स अज्यूम रेट अब हो गया 2%। बस 2% वाले से आगे बस वर्किंग करके लिखिएगा नहीं। ये अमाउंट कितनी आगे से 3,600 आया मेरे ख्याल, पहले आप लेजर ही कंप्लीट करवाएं, फिर बाद में जाते हैं एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। बताइए लेजर में 3,600 कैसे लिखें, किधर किधर किधर? अलाउंस का हमेशा क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा? क्योंकि अलाउंस मीन्स डेटर कम हुआ है। डन है सर, छोड़ दें सर जी लिखना। रिवर्स सिचुएशन आ गई है, सही कंप्लीट करवा दे जरा। 3,600 मैंने सही जगह लिखा सर जी, सही जगह लिखा। अब बताएं टोटल कितना किधर लिखूं, किस साइड पे टोटल पहले लिखूं? तो हायर साइड क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है? छा गए सही है सर। अब कितना डेबिट साइड पे लिखूं? 35,600। अब जरा डिफरेंस लें कितना है, एक मिनट कर ले सर। 35,600 एंड 3,600, सिर्फ ये बता दें ये डिफरेंस किधर लिखूं? डेबिट साइड, किस लेजर में? डेबिट साइड पे, अलाउंस के लेजर में डेबिट साइड पे। क्या डेबिट हो रहा है? अलाउंस डेबिट हो रहा है। अब अलाउंस डेबिट हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 35,600। ये सबको क्लियर हो गया डिफरेंस किधर लिखा? सही लिखा मैंने, 35,600 तक का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। लेकिन अब सीडी देखें, हम बस फ्यूचर में अब कितना एक्सपेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 3,600। तो क्या पिछले सालों में एस्टिमेटेड बेसिस पे ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है? तो एक्सपेंस बढ़ाने की जरूरत है या कम करने की जरूरत है? देखिए एस्टिमेटेड अमाउंट्स है, तो एस्टिमेटेड अमाउंट्स में फिर डिफरेंस भी आ सकता है। तो व्हाट इज द ओपनिंग अलाउंस नाउ? 35,600। व्हाट इज द क्लोजिंग? क्या अलाउंस बढ़ाना है या कम करना है? कितने से कम करना है? क्या डबल एंट्री बनती है जब अलाउंस बढ़ता है? जब बढ़ता है, पिछले 3 सालों में जब अलाउंस बढ़ा है तो एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। और अगर उसने कम होना है तो अलाउंस डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। सिर्फ आपने रेफरेंस अकॉर्डिंगली लिखना है। व्हाट इज दिस डबल एंट्री? बोले बोले बोले, हमें कैसे पता चलेगा कि अलाउंस बढ़ना है या कम होना है? हम ब्रॉड डाउन लिख लेंगे, कैरेट डाउन कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में अकाउंटेंट बन के सही लेजर बैलेंस कर लेंगे। अगर अलाउंस डेबिट हो रहा है तो बैड डेट्स क्रेडिट होकर एंट्री बन जाएगी, और अगर अलाउंस इंक्रीज होकर क्रेडिट हो रहा है तो बैड डेट्स डेबिट करके डबल एंट्री बन जाएगी। एक एंट्री बोल दें जरा कैंडी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बोल दें सर ये एंट्री बोली जाए, और बैड डेट्स क्रेडिट। लिखने की जल्दी ना करें, बताएं बैड डेट्स क्रेडिट से क्या समझ आता है? ना 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 ना, हाँ जी एक्सपेंस कम हो रहा है,
एक्सपेंस कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है, और देयरफॉर क्लोजिंग अलाउंस कितना हो जाएगा, 3600 आ जाएगा। कितना अलाउंस कितने से कम होके कितना रह जाएगा, 35600 का अलाउंस 32000 से कम होके 3600 रह जाएगा। करें कंप्लीट। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल है। नेक्स्ट पेज पे जाकर जरा फोर्थ ईयर एंड के एक्सट्रैक्ट्स कंप्लीट करें। जी क्लोजिंग अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम फाइनल हो गया सेंटेंस। बताइए डेटर्स में से कितना लेस करेंगे। या सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैंडी बार बार याद रखना है। क्लोजिंग अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग अलाउंस ऑफ बैड डेट्स is deducted from closing balance of debtors in the statement of financial position. So 3600 या 32000 तो 176 400। तो अलाउंस का जो क्लोजिंग है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का फाइनली पार्ट है, 176 400। बहरहाल आई होप के जो इश्यूज अगर थे भी तो रिजॉल्व हो गए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए इस तरह करें, जो आज हमने डिस्कशन की है अब उसके एक फाइनल समरी बना लें। अगर एक्चुअल बैड डेट्स हो जाए तो क्या डबल एंट्री जहन में आया करेगी, बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। अगर अलाउंस में इंक्रीज आ रहा हो, लिखना पर हेडिंग लिखना, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अगर अलाउंस में इंक्रीज आ रहा है तो फिर एंट्री क्या किया करेंगे, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। ये कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज आ रहा है, हाँ जी ओपनिंग क्लोजिंग को देख के, और अगर ओपनिंग कम है या वाइस वर्सा सही रहेगा, अगर क्लोजिंग ज्यादा है
तो इसका मतलब फिर इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या करेंगे, अलाउंस इंक्रीज हो रहा हो तो क्या करेंगे सर, अलाउंस क्रेडिट बैड डेट्स डेबिट। अलाउंस क्रेडिट समझ आ रहा है, पहले मैंने बोला था अलाउंस क्रेडिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है सर। और वाइस वर्सा सिचुएशन क्या बन सकती है, डिक्रीज इन अलाउंस, डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ऑपोजिट एंट्री बन जाएगी अलाउंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट पूरा करा, एंड एंड सर बैड डेट्स क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। रिडक्शन इन डेटर्स, डेटर्स में कमी हो रही है, डायरेक्टली डेटर्स को डेबिट क्रेडिट करने की बजाय इनडायरेक्टली इस लेजर में डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। जी प्लीज, ओके प्लीज, चले सर, थैंक यू फॉर द पेशेंस, मेरे ख्याल आज इतना काफी है। सिर्फ अगर टाइम निकाल के कल इसको रिवाइज करके हैं, फिर यहीं से इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो दोस्त अहबाब आपके नहीं पहुंच सके उनसे कहिएगा कल आने से पहले कुछ पढ़ के आइएगा, और सिर्फ कुछ दोस्त अहबाब ऐसे भी होंगे जिन्होंने कहा होगा कि यार आज कुछ नहीं होना, रहने दे, तो उनको खास तौर पर कहिएगा कि आज काफी कुछ हो गया है, अब तू रहने दे, पढ़ ले। मिला था मैं ऐसा, अल्लाह हाफिज, ये सारे इसी तरह के हकीम इकट्ठे हुए होते, अल्लाह हाफिज सर।